नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियां लेकर आते हैं जिनका लाभ आप अपनी अच्छी पैदावार के लिए और आय वृद्धि के लिए उठा सकते हैं। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे रबी प्याज की नर्सरी की और साथ ही आपको मिलवाएंगे एक सफल मधुमक्खी पालक से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, हमारी थाली में प्याज का स्थान जितना अहम है, इतनी ही अहमियत रखती है प्याज की खेती हमारी कृषि में भी, और ये मुख्य रूप से रबी में उगाई जाती है। रबी प्याज की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि नर्सरी की उचित देखभाल की जाए और स्वस्थ पौध तैयार किए जाए। आइए देखते हैं किस तरह से रबी प्याज की नर्सरी के लिए आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमारा देश भारत दुनिया में नंबर दो के स्थान पे प्याज की पैदावार में पाया जाता है और प्याज की पैदावार हम चीन के बाद नंबर दूसरे स्थान पे आते हैं। हमारी जो ज़मीन होती है और जो हमारी प्रोडक्शन होती है प्याज की, वो बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे हमें चाइना के बाद। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमारी जो पैदावार है प्रति हेक्टेयर वो बहुत कम है, जो कि 17 टन पर हेक्टेयर है, जबकि दूसरी देशों की 50 टन प्रति हेक्टेयर के करीब भी है। इसके ये कारण है कि जो हमारे यहाँ पर प्याज है वो दो दफ़ा लगाया जाता है, एक खरीफ में लगाया जाता है, लेट खरीफ में लगाया जाता है, रबी में लगाया जाता है। खरीफ नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में खरीफ में लगाया जाता है और रबी में लगाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र जो नंबर वन पे राज्य है वहाँ पर तीन दफ़ा लगाया जाता है, खरीफ, लेट खरीफ या पछेती खरीफ और रबी में लगाया जाता है। उत्तर भारत में खरीफ का प्याज लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण हमारे यहाँ पर हम उसको प्याज को पहले हम फरवरी के फर्स्ट वीक में लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं। और नर्सरी लगाने का तरीका ये होता है कि नर्सरी हमारी 15 सेंटीमीटर उठी होनी चाहिए ग्राउंड से, और उसके बाद 2 से 2.5 सेंटीमीटर के लाइनें लगाई जाती हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का उसमें डिस्टेंस रखा जाता है। और उसके बाद जो आपका बीज होता है, बीज को कैप्टान या थीरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसमें कैप्टान या थीरम जो कि एक फफूंदी नाशक है वो लगा के उसमें लाइनों में बोया जाता है। लाइनों में बोने के बाद आपके पास जो खाद होती है उसमें ट्राइकोडर्मा भी हमने इकट्ठा मिलाया होता है, और उसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा वाला जो खाद है वो डालना है। उसके बाद घास डाली जाती है और ऊपर से पानी दिया जाता है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है क्योंकि खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो खरपतवार ख़त्म करने के लिए हमें गोल या पेंडीमेथ्रिन का स्प्रे एक मारना आवश्यक हो जाता है, जो कि आप 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से नर्सरी पर भी मार सकते हैं। उसके बाद उसमें घास लगाई जाती है और फिर उसके बाद पानी दिया जाता है। पानी आपको लगातार देते रहना था जब तक उसके बीज अंकुरित ना हो जाए। बीज अंकुरित होने के बाद आप घास को उठा लीजिए और उसमें थोड़ी सी धूप आने दीजिए। ये जो नर्सरी है, नर्सरी हम कम से कम 40 से 45 दिन की बनाते हैं खरीफ में, और उसके बाद और नर्सरी जो हम खरीफ की लगाते हैं वो हम लगाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में लगाते हैं, क्योंकि फिर 15 अगस्त के करीब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि हम उसकी रोपाई करते हैं। ये होगी खरीफ की नर्सरी। अब खरीफ की जब नर्सरी हमने लगा दी या ट्रांसप्लांट कर दी, उसके बाद उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालना पड़ता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है 75-40-40 या 75-50-50 के हिसाब से आप डाल सकते हैं। नाइट्रोजन सारा एक टाइम में नहीं डालना होता, नाइट्रोजन आप आधा पहले डाल सकते हैं जब आप अपनी रोपाई कर रहे हैं, उसके बाद जो आधा नाइट्रोजन बचा होता है उसको 2 भागों में 30 दिन और 45 दिन के बाद डाल सकते हैं। इसमें हमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के बाद आप पेंडीमेथ्रिन या गोल का स्प्रे करना आवश्यक समझते हैं हम, क्योंकि उसके बाद खरपतवार नहीं आते हैं, 1 महीने तक खरपतवार नहीं आते हैं। जब आपने खरपतवार कर दिया तो उसके 30 दिन के बाद एक बार आप हाथ से अपने खरपतवार निकाल सकते हैं और उसके बाद उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खरीफ की जो क्रॉप है, खरीफ की जो फसल है, आपकी 100 या 110 दिन के बीच में आ जाती है। उससे पहले हमें ये करना है कि जब आप खरीफ की जो फसल होती है वो जल्दी से निकाली जाती है और उसको सीधे ही हमें बाज़ार में बेचना पड़ता है, क्योंकि आप खरीफ की फसल को अंदर नहीं रख सकते। अब बात ये आती है कि खरीफ में हम कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, रबी में कौन सी, ये अलग अलग वैरायटीज़ होती है। खरीफ में हम N53 और एग्रीफाउंड डार्क रेड या पूसा रिद्धि जैसी वैरायटी लगा सकते हैं। वैसे हमारे पास कुछ वैरायटी जैसे बीमा रेड है, बीमा राज है, बीमा सुपर है, और सफ़ेद कलर की जो प्याज है बीमा श्वेता है, बीमा शुभ्रा है, वो लगा सकते हैं। ये सारी वैरायटियाँ या किस्में जो हैं हम खरीफ में लगा सकते हैं, रबी में अलग लगाई जाती हैं। रबी में लगाने के लिए जो वैरायटीज़ रहती हैं उसमें आप पूसा रेड लगा सकते हैं, पूसा रिद्धि लगा सकते हैं, NHRDF की L28, L33
ये वेराइटीज़ लगा सकते हैं। बीमा श्वेता, बीमा शुभ्रा भी लगा सकते हैं, बीमा सुपर और बीमा किरण भी लगा सकते हैं। खरीफ में अमूमन हम ये लगाते हैं जो डार्क रेड होती है, एकदम गहरे लाल रंग की वेराइटीज़ होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। और खरीफ रबी में हल्के लाल रंग की वेराइटी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि रबी में ऐसा होता है कि हमें जो प्याज जब निकालते हैं उसको बहुत देर तक हमें स्टोरेज या भंडारण में रखना पड़ता है। रबी का अगर आपने नर्सरी लगानी है तो फर्स्ट अक्टूबर में लगानी पड़ती है, जैसे अभी आप देखेंगे कि हमने लगाई हुई है, और उसके बाद उसकी जो बिजाई है फर्स्ट 15 जनवरी तक आपको उसकी रोपाई करनी पड़ती है। इसमें भी वैसे करना पड़ता है कि आप नर्सरी बनाएंगे, नर्सरी में लाइनें लगाएंगे, उसमें सीड अपना डालेंगे, बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद उसको ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा FIM या जो गोबर की खाद है वो डाली जाएगी, ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम वो डाला जाएगा, और उसके बाद पानी देने के बाद ये आपकी जो नर्सरी है 45 या 60 दिन में तैयार हो जाती है। 45 या 60 दिन में तैयार होने के बाद आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट से लेकर 15 जनवरी के बीच बीच में इसकी रोपाई आप कर दें, क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी करते हैं जैसे दिसंबर में करते हैं तो उत्तर भारत में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। टेम्परेचर नीचे जाने के कारण क्या होता है कि उसमें फ्लावर्स या डेंगले भी बोलते हैं उसमें फूल निकलना शुरू होते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है और उसकी मार्केट में वैल्यू भी नहीं है। फर्स्ट से 15 जनवरी तक जब आपने इसको लगा दिया, उसके बाद आपने इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पहले बताया है वो डालना है। नाइट्रोजन 110, फास्फोरस 40 और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। और उसके अलावा इसमें सल्फ़र डालना बहुत ज़रूरी, सल्फ़र आप 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना पड़ता है। इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तो उससे क्या होता है, इसमें एक तो स्टोरेज अच्छी, भंडारण क्षमता अच्छी हो जाती है, और इसमें जो तीखापन होता है प्याज में वो अच्छा आता है। इसमें वैरायटी जैसे मैंने पहले बताया आप यूज़ कर सकते हैं, पूसा रेड हमारे यहाँ की वैरायटी है, पूसा रिधि आप यूज़ कर सकते हैं, L28, L355, पूसा माधवी और पंजाब नरोहा करके बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी किस्में जो आप लगा सकते हैं। प्याज लगाने के लिए जो रोपाई आप करते हैं, लाइन टू लाइन की दूरी जो है, कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ये हमें इसलिए रखनी पड़ती, एक तो हमें निराई गुड़ाई करने के लिए बहुत अच्छा रहता है उसमें, और दूसरा ये रहता है कि जो प्याज का बल्ब या जो कंद बनता है वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अगर आप इसको बहुत नज़दीक रखेंगे तो कंद भी आपके छोटे होते जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पेंडीमेथ्रीन या गोल का स्प्रे करना है, उसके अलावा इसमें कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे पर्पल ब्लॉच होता है जिसको बैंगनी धब्बा कहते हैं, स्टेम फिलियम ब्लाइट जिसको बोलते हैं, झुलसा रोग, उसे करने के लिए, उस पर स्प्रे करने के लिए आप प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, ट्राइसाइक्लोजोल या DIETHEN-M45 का स्प्रे कर सकते हैं, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें नर्स क्या कहते हैं, थ्रिप्स भी रहती है बहुत सारी, जिसको आप कीड़ा वो थ्रिप्स बोलते हैं, उसे बचाने के लिए आपको फिप्रोनिल का स्प्रे करना पड़ता है या कार्बोसल्फान का स्प्रे करना पड़ता है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कीजिए। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे करते हैं, अगर आपने DIETHEN-M45 आज स्प्रे किया है, 15 दिन के बाद आप दूसरा स्प्रे करना चाहते हैं तो वो ट्राइसाइक्लोजोल का करें। एक ही स्प्रे बार बार नहीं करना है, अलग अलग स्प्रे बार बार अलग अलग टाइम पे करने हैं, ताकि जो रेजिस्टेंस है या जो कीड़े या जो फफूंदी है वो अच्छी तरह से मर जाए। ज़्यादा हमें इसमें फफूंदी नाशक या कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब भी आप नर्सरी, जैसे आपके ये जो रबी की पैदावार है, रबी 120-130 दिन में तैयार हो जाती है, 15 दिन पहले आपने पानी रुकाना है। जब इसके हम बोलते हैं नेकफॉल, अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं नेकफॉल, जब इसकी गर्दन गिर जाती है प्याज की, तो उसके टाइम उससे 15 दिन पहले आपने पानी को रोकना है ताकि अच्छी तरह से सूख जाए, और उसके बाद प्याज निकालना है। प्याज निकालने के बाद उसको खेत में ही कम से कम 5-7 दिन रहने देना है, ताकि जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में क्यूरिंग बोलते हैं, क्यूरिंग करनी है, ताकि जो उसके पत्ते हैं सूख जाए और जो भी उसका द्रव्य है वो प्याज में आ जाए। उसके कारण फ़ायदा ये रहता है कि उसकी स्टोरेज जो है, भंडारण क्षमता वो बढ़ जाती है। उसके बाद आपने उसके गला, नेक जो बोलते हैं नेक काटनी, 1 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक रखने, पूरी नहीं काटनी। जैसे आप पूरा बल्ब ले लिया उसको एकदम से नीचे से नहीं काटना, थोड़ा सा नेक छोड़ना है उसका, डंठल छोड़नी है 1 से 1.5 सेंटीमीटर की, और फिर काटना। उससे क्या होगा कि उसमें भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी, और आपने जो भी प्याज अपना निकाला हुआ है उसको ऐसे स्टोरेज स्ट्रक्चर या ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर हवा बहुत अच्छी हो, खरपतवार नहीं हो, पानी नहीं है, और हवा अच्छी तरह से उसमें चलती रहनी चाहिए, ताकि आपका जो प्याज है वो बहुत देर तक अच्छा रहे। तो देखा आपने रबी प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल मधुमक्खी पालक से। आप बने रहें हमारे साथ।
कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, आपने सुना होगा कि मधुमक्खी पालन को कहा जाता है मीठी आय का जरिया। जी हाँ, यही मिठास अगर आप भी अपने जीवन में घोलना चाहते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि क्या करें, कैसे करें। इसके लिए आइए आपको हम मिलवाते हैं एक सफल मधुमक्खी पालन से, गोरखपुर के निवासी राजू सिंह से, जिन्होंने न सिर्फ खुद मधुमक्खी पालन के जरिए सफलता हासिल की है बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मधुमक्खी का इतिहास और मधुमक्खी पालन का इतिहास बहुत पुराना है। ये किसान और उसकी ज़िंदगी से भी बहुत तेज़ी से, मजबूती से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। जब कभी किसान के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है तो वो मधुमक्खी पालन करके तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। अगर कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाए तो बहुत ही कम खर्च में मधुमक्खी पालन करके अच्छी तरक्की हो सकती है। सभी जानते हैं कि मधु हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और शुद्ध मधु की मांग पूरे भारत में है, भारत के बाहर भी है, और ये एक बहुत अच्छा रोजगार भी साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही काम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ज़िले के एक गांव में भी किया जा रहा है। यहाँ एक किसान ने अपनी कड़ी मेहनत से मधुमक्खियों के बक्से तैयार करके उनके पालन का काम शुरू किया और इन्हीं मधुमक्खियों के छत्तों को बनाकर डब्बों के माध्यम से एक बड़ा कारोबार अपने पैरों पे लगाकर इस तरह कर लिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और उसकी जो आमदनी है वो भी बढ़ जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसान ये ठान ले कि उसे अपनी आमदनी, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनानी है, तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि आप इस किसान को देख रहे हैं, इनसे कुछ सीखकर आप भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, ये शुरुआती दौर में ये राजू सिंह जो पीपीगंज के किसान हैं, इन्होंने इस काम को शुरू किया और काम को करते करते आज इस स्थान पे पहुंचा दिया कि लोग आसपास से आकर उनसे अब सलाह मशवरा भी करते हैं कि हम अगर मधुमक्खी पालन का काम शुरू करें तो कैसे किया जा सकता है। राजू ने अपनी इस जो मेहनत की कमाई है और जिस तरह से उनका काम है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने इस मधुमक्खी पालन के काम को अंजाम दिया है, इसके बारे में बहुत ही तन्मयता से बताते हैं। हम ये मौन पालन का कार्य आज लगभग 20 वर्षों से कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा हमको मिली थी लखनऊ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से के एक अधिकारी थे, वहीं जो है
पता लगाते लगाते हम गए तो उन्होंने हमको दो डब्बा दिया, दो कॉलोनी, और दो कॉलोनी से इस समय जो है हमारे पास 300 बक्से हैं। मौन पालन हम जो जब से कर रहे हैं तब से जो है हम बहुत संतुष्ट हैं। और यही मौन पालन जब शुरू शुरू में हम कर रहे थे तो तमाम दिक्कतें आई, लेकिन अब दिक्कतें नहीं हैं। जब से माइग्रेशन करने लगे तब से दिक्कतें दूर हुई हैं। पहले हम एक ही जगह रखते थे, लेकिन अब जो है ये सचल मौन पालन है, इसको हम चलाते रहें। जहाँ फूल है वहीं अपना टेंट लगा दें, तब उत्पादन अच्छा होता है। एक वर्ष में, पूरे वर्ष में 2000 रुपये प्रति कॉलोनी खर्चा आ जाता है, और एक कॉलोनी से 50 से 80 किलो तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन पूरा फुल टाइम माइग्रेशन किया जाए तब 50 से 80 किलो उत्पादन होगा पूरे वर्ष में। लेकिन अगर इसको आप पूरे वर्ष नहीं घुमा पाते हैं, अगर दो ही तीन माइग्रेशन करते हैं, तभी 50 से 40 किलो शहद उत्पादन किया जा सकता है। और मार्केट जो है तो मंडी पर निर्भर है, लेकिन फिर भी लगभग अगर 250 रुपया किलो बिके, 250 रुपया किलो बिके, तो भी आपका समझिए कि 3000 रुपये प्रति कॉलोनी से उत्पादन फायदा हो जाता है। हजारों की संख्या में एक जैसी ही दिखने वाली मधुमक्खियों का कार्य अलग अलग होता है। ये कई किस्मों की होती हैं और हर मधुमक्खी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जैसा कि उसे मालूम है उसी आधार पर करती है। एक पेटी में मधुमक्खियों को केवल रखकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें सिर्फ एक ही रानी हो। ये मधुमक्खी पालक इस बात को जानते हैं कि एक पेटी में मधुमक्खियों की केवल एक ही रानी होती है और बाकी सब वर्कर्स होती हैं। तो कोई नर्स है, तो कोई सर्चर है, तो कोई गार्ड है, मतलब ये है कि कोई देखभाल करने वाली है, कोई ढूंढने वाली है, और कोई इस तरह की है जो उसकी सुरक्षा भी करती है। तो केवल एक रानी के लिए सारी की सारी मधुमक्खियां दिन रात मेहनत करती हैं। डब्बे के अंदर जब इन्हें ला के रखा जाता है, ये बड़े ही एक ऐसे प्रकार के डब्बे होते हैं जो लगभग एक ही आकार के होते हैं, और इन्हें काफ़ी दूरी पे खुले मैदान में रख दिया जाता है, जहाँ आसपास पेड़ पौधे हों, जहाँ जंगल हो, जहाँ फसलें हों, जहाँ बाग हों, उस तरह से, और वो स्थान खुला भी हो, और समय समय पे उसकी जांच भी करते रहना होता है। तो इस तरह से जो मधुमक्खी पालक है वो इस बात का आभास भी लगा लेते हैं कि एक डब्बे में जितनी मक्खियाँ आई हैं, क्या उन्होंने अब यहाँ शहद को छोड़ने का काम शुरू कर दिया या नहीं। ये काम वो बड़े धीरे धीरे और बड़ी ही सतर्कता से करते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस डब्बे को फिर बहुत एक अच्छे से कपड़े से, एक मोटे से कपड़े से ढकते हैं, और उसके ऊपर एक थोड़ा सा भारी जो ढकने का ढक्कन है उसको लगा दिया जाता है। और फिर कई बार इस काम को किया जाता है, एक एक करके सारे डब्बों को इस तरह से जांचा परखा जाता है, जिससे ये पता लग सके कि हाँ, यहाँ पर मधुमक्खियों ने मधु संचयन का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया है। ये काम थोड़ा मौसम पे भी बहुत आधारित होता है, मौसम का खास तौर से इस पर विशेष असर भी होता है, इसीलिए इसका ध्यान रखना होता है कि मधुमक्खी पालन का काम कब किया जाए। बरसात के दिन में मधुमक्खी पालन का काम बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि बरसात में आमतौर से जो फूल हैं उनके पराग कण कम हो जाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी की पेटी में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, उसकी साफ सफाई ज़रूर करते रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पेटी को महीने में एक बार, और जब कभी बरसात आ जाए तो दो बार ज़रूर साफ कर देना चाहिए। तो ये एक छोटा सा काम है, अगर बहुत ही सतर्कता से किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी मधुमक्खी बीमार ना पड़ने पाए, कोई कीड़ा उसमें ना जाने पाए, या कहीं कोई गंदगी ना होने पाए, क्योंकि जो एक तरह से दिखने वाली मक्खियाँ हैं, ये मधुमक्खियाँ हैं, वो बिल्कुल अलग अलग कार्य कर रही होती हैं, और हर मधुमक्खी का बड़ा अपना महत्व होता है। और देखिए, वो ड्रम में डाल करके समय समय पर उसकी सफाई भी करते हैं, उसको उसमें से ड्रेन भी करते रहते हैं, चला चला के देखते भी रहते हैं मधु कैसा निकाला जाए, तो मधु निकलने लगती है। अब जो हमने वो छत्ते या जो बना के रखे हैं उसको चला दिया,
अब ये जब चलता रहता है तो जो मधु है उसमें से निकल के धीरे धीरे आप देखिए नीचे आ जाता है और यहीं से मधु के कलेक्शन का काम, उनको इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाता है। बहुत कम खर्च में, बहुत तन्मयता के साथ, सतर्कता के साथ इस काम को जब करते हैं तो उस मधु इकट्ठा हो जाता है और उस किसान को तब खुशी होती है कि जब उसको मधु मिलने लगता है। तो देखा आपने किस तरह भाई राजू सिंह ने मधुमक्खी पालन के जरिए सफलता हासिल की। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपको रबी प्याज के नर्सरी के बारे में भी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हम आपको छोड़े जाते हैं कृषि सलाह के साथ। नमस्कार। मिर्च की खेती किसानों के लिए सदैव फायदे की खेती रही है, उन किसानों के लिए भी जिनके पास जमीन कम मात्रा में होती है। कच्ची हरी मिर्च और पकी लाल मिर्च, दोनों ही मिर्च का विपणन किसानों के लिए सबसे अच्छी नगदी फसल है, इसलिए किसान मिर्च की खेती करने हेतु तैयार रहते हैं। इस खेती में कम खर्च में अच्छी आमदनी होती है। बाजार में साल भर मिर्च की मांग रहती है और अच्छी कीमत मिलती रहती है। विटामिन ए और विटामिन बी से भरपूर मिर्च की खेती अगर वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो किसानों को और भी ज्यादा आमदनी हो सकती है। मिर्च की खेती किसी भी मौसम में की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर मिर्च की खेती सर्दी के मौसम में करने से अधिक फायदा होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के युवाओं का भी रुझान मिर्च की खेती की ओर बढ़ा है। जिला बस्तर के गाँव महुपाल बरई के किसान नैनधर पटेल अपनी जमीन के 3 एकड़ क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से मिर्च की खेती करके अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। मेरा नाम नैनधर पटेल है, मैं महुपाल बरई में रहता हूं और मैं पढ़ाई किया हूं 10वीं तक, 10वीं पास होकर छोड़ दिया हूँ। खेती में मैं खेती करना चाहता हूँ बोल के मैं पढ़ाई छोड़ दिया आधे रास्ता में, और अभी मैं मिर्ची का फसल लगाया हूँ। पहली बार है मिर्ची का फसल, अभी मेरा खेती करते हुए 2 साल हुआ है। अब मिर्ची पहली बार लगाया हूँ और मिर्ची में अभी शुरू से लेकर अभी तक का खर्चा 40,000 रुपया हुआ है और इसमें दुगना कमाने का सोच रहे हैं। पहली बार लगाया हूँ मिर्ची, अब इसमें 3 गुना कमाने का तो सोच रहा हूँ। और इससे पहले मैं मिर्ची नहीं लगाया था, दूसरा फसल लेता रहा, टमाटर का खेती करता रहा पिछले 2 साल से। टमाटर में भी मेरे को अच्छा फायदा हुआ, जो खर्चा होता है उससे डबल हो जाता है उसमें भी, टमाटर में भी। ड्रिप से हम खाद वाद सब वो ड्रिप के जरिए दे सकते हैं, उसमें लेबर का बचत होता है, पानी का बचत होता है, कम से कम पानी में होता है। अपन ऐसी दिखाने वाला करते हैं तो फ्लट वाला हम करेंगे तो पानी दिन भर में जो करते हैं तो वो अभी ड्रिप में करेंगे तो सिर्फ 2 घंटा में उतना ही कर देगा। और उसके बाद मैं झिल्ली बिछाया हूँ, मल्चिंग किया हूँ तो मल्चिंग में इसमें घास नहीं उगता है तो उसमें भी लेबर का बचत होता है, खरपतवार नाशक वाला जो दवाई आता है उसका भी बचत होता है।